देश भर में रामनवमी का महाउत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक ऐसी छवि महानगर कोलकाता के करीब टीचागढ़ में देखने को मिली, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी का पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर टीचागढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल ने अपनी परंपरा को दोहराते हुए रामनवमी के शोभा यात्रा में शामिल होने वाले राम भक्तों का स्वागत शरबत पानी के साथ शानदार ढंग से किया। काउंसलर अरमान मंडल के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में टीटागढ़ नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश साव के साथ साथ विभिन्न वार्ड के काउंसलर भी उपस्थित हुए। चेयरमैन कमलेश साव ने कहा कि ये टीटागढ़ की खूबसूरती है कि यहाँ मोहम्मद रियाजुद्दीन जैसे युवा रामनवमी के अवसर श्रद्धालुओं का स्वागत शरबत पानी के साथ करते हैं, और ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हर चीज त्योहार में मोहम्मद रियाजुद्दीन लोगों का सेवा करते हुए नजर आते हैं। इनका ये कार्य हिंदू मुस्लिम एकता की छवि को दर्शाता है। काउंसलर मोहम्मद रियाजुद्दीन और सरमान मंडल ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है और हम आखिरी सांस तक इस कार्य को करते रहेंगे। रामनवमी होकर मोहर्रम का उत्सव हर उत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को एक इंसान होने के नाते इसी तरह से पानी और शरबत के साथ उनका स्वागत करते रहेंगे। हमारे शहर की खूबसूरती है कि अरमान मंडल मंच लगाते हैं रामनवमी के मौके पर, और उस मंच से अरमान मंडल से हम सब लोग नारा देते हैं जय श्री राम का। ये खूबसूरती है हमारे शहर का। हम लोग गर्व बोध करते हैं कि हम लोग टीटागढ़ में जन्म लिए हैं, जहां हर जाति हर धर्म के लोग निवास करते हैं। हम लोग टीटागढ़ को मिनी भारत के नाम से कहते हैं, और ये मिनी भारत हम लोग देख रहे हैं सक्सेसफुली कि ये मिनी भारत किस तरह से हम लोग इसको सही मायने में इसको प्रस्तुत करता है टीटागढ़, कि हर जाति हर धर्म के जितने भी उत्सव होते हैं हम सब लोग मिलजुल कर इस उत्सव को पालन करते हैं। यही खूबसूरती है हमारे शहर की। तो आज रामनवमी का इतना बड़ा शोभा यात्रा आप लोग देख रहे हैं, बड़ी सफलता के साथ, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग के साथ हम सभी लोग, हमारे सभी पार्षद, मैं खुद सुबह से ही लगा हुआ था, साफ सफाई से लेकर जो भी पौर सभा की तरफ से व्यवस्था था हम लोगों ने व्यवस्था की, और हम लोग इस शोभा यात्रा का नेतृत्व भी दे रहे थे, और सक्सेसफुली आज ये शोभा यात्रा भी संपन्न हुआ टीटागढ़ में। हम मेहनत कर रहे हैं कि इसी यहाँ जगह को सारा दुनिया इंडिया के लोग जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टीटागढ़ में रामनवमी कैसे मनता है। काफ़ी उचित और विचार के साथ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के हम लोग मनाते हैं, और साथ ही साथ महिला जो है अपने हाथों से राम भक्त को शरबत पिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम लोग जो रामनवमी मनाए यहाँ के टीटागढ़ के लोग, तो आप देख सकते हैं हमारे मदन चानियर, हमारे राम बाबू नियर और हमारे एक टोन जन नायडू भाई नियर, सारे लोग मिल के हम लोग कुर्शीद भाई एक तरफ भैया है, चचा है, सब मिल के हम लोग समाजी लोग जो है, बिजनेसमैन भी देखा जाए, समाजी लोग भी देखा जाए, और यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं सब मिलजुल के हम लोग यहाँ पर रामनवमी पालन किए और काफ़ी धूमधाम से मनाए। इतना मन को सुकून मिलता है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बुजुर्ग और बिजनेसमैन हमारे साथ रहते हैं कि आज जो है हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोग टीटागढ़ में यहाँ पर रहते हैं, और काफ़ी सुकून मिलता है। जो टीटागढ़ का कल्चर है ना, ये काफ़ी सराहना कल्चर है कि आज हम लोग यहाँ पर ये टीटागढ़ में रामनवमी मनाते हैं, हनुमान जयंती भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक समाज के लोग, हिंदू के पर्व में मुस्लिम रहता है और मुस्लिम के पर्व में हिंदू रहता है, इसी को हम लोग मिनी इंडिया कहते हैं। आज हमें इतना अच्छा लगता है और गर्व होता है कि आज हमें काउंसिलर बाद में, पहले मैं ये टीटागढ़ का लड़का हूँ और बेटा हूँ, एक भाई हूँ, मैं इसका जो है इसका कर्ज अदा करता हूँ। आम भक्तों के लिए हम लोग शरबत और पानी का व्यवस्था किया गया रहा है कि उनको कोई कमी ना हो, कि रास्ता से जो जाएं उनको गला सूखे नहीं। हम लोग उनके सेवा के लिए हमारी माँ बहन और हमारे युवा सब मिलजुल के हम लोग उनको शरबत पिलाएं कि उनको कोई कष्ट ना हो। यही जो है हम लोग टीटागढ़ का है कल्चर। हनुमान साहब, हमने देखा आज आप लोगों के बीच जाके उन्हें
शरबत दे रहे थे, पानी दे रहे थे। सावन के महीने में भी हम लोगों ने दिखाया था कि आप इसी तरह लोगों के बीच में जाकर शरबत पानी बिस्कुट दे रहे थे। मुहर्रम के महीने में भी हम लोग देखते हैं। और क्या संदेश क्या देंगे यहाँ से? मैं संदेश बस इंडिया वासी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिंदगी जब तक है लोगों का सेवा करते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। ये पानी पिलाना, ये शरबत पिलाना, ये सबके बस की बात है, लेकिन अपने हाथ से पिलाना ये काफ़ी नसीब का बात है, ये काफ़ी पुण्य का काम है। ये इतना पुण्य का काम है कि मरते दम तक मेरे रूह को मुझे नसीब होगा और मैं मरते दम तक मैं इन्हीं तरह रामनवमी में शरबत पिलाते रहूँगा और मुहर्रम में भी मैं शरबत पिलाते रहूँगा। मुझे कौन क्या सोच रहा है उससे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपना इंसानियत यहाँ पर पेश कर रहा हूँ और लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते मुझे नहीं फर्क पड़ने वाला। मैं सिर्फ अपना इंसानियत करते रहूँगा और अपना काम मैं करते रहूँगा। और टीटागढ़ में हमने बंगाल में जिस तरह से यहाँ डेवलप हो रहा है, हमने ममता बनर्जी के सरकार में अगर हर एक कोना में इसी तरह अगर काम सब करते रहे तो ना ही कभी जात पात का भेदभाव रहेगा और ना ही कभी मिल मोहब्बत हम लोग में टूटेगा। उत्सव है, यही साल का नया नहीं है, वो स्टार्टिंग से अब 2-3 साल से जब से काउंसलर नहीं था तब भी एक्टिव पर्सन है, काउंसलर होने के बाद भी जो गर्म गिरा है, ये गर्म में इतना मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक अब पल भी है, मेहनत भी है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग सब हार्दिक अभिनंदन। एक हफ्ता पहले यहाँ पर ईद मनाया गया और आज जो है रामनवमी मनाया जा रहा है। वो ईद टीटागढ़ एक तो मिनी भारत है, ये मिनी भारत में हमारा 4 नंबर वार्ड एक तो मिनी भारत है। इस धर्म का भी आदमी रहता है, इसी में हर धर्म का पूजा में भी वो एक्टिव पर्सन है। आज शीतला माई पूजा हो, छठ माई पूजा हो, काली पूजा हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, रमजान हो, हर त्यौहार में यही पूजा वो पूजा बोलकर नहीं है, वो दिल से जो भी काम करता है मन से दिल से। अरमान मंडल के लिए क्या बोलेंगे आप? अरमान मंडल के लिए बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए हम लोग पार्टी पुआ देखता नहीं है, अच्छा आदमी है बोल के हम लोग, अच्छा इंसान है बोल के हम लोग।